माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। इसमें क्या है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एसी इक्वल टू बीसी। देखिए एबीसी ये एक ट्रायंगल है आपका, एबीसी ये एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, यानी आइसोसेलेस का मतलब सम द्विबाहु दो भुजाएं हैं एसी और सीबी। दिया हुआ है इसमें एसी और सीबी इज इक्वल टू, एसी इज इक्वल टू सीबी, ये दिया हुआ है, आइसोसेलेस है ये। और आपको सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये जो त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी सी जो है ये 90 डिग्री का है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ये एक भुजा है आपकी एसी और दूसरी भुजा है आपकी सीबी, और ये कहते हैं कि एबी स्क्वायर, यानी ये वाली जो है एबी, इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। आपको पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसके अनुसार राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि दो भुजाएं जो है उनका वर्ग, ठीक है, यानी एक भुजा ये, इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों जोड़ने के बाद में जो परिणाम आता है वो तीसरी भुजा यानी ए बी हाइपोटेन्यूज या विकर्ण का स्क्वायर होता है। यानी ए बी स्क्वायर जो है वो किसका स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है ये ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। और ये कहते हैं कि ए सी और सी बी इक्वल है, यानी ए सी जो है और सी बी इक्वल है, इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि सी बी और ए सी इक्वल है। एग्जाम इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ए सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी या सी बी एक ही बात है। तो ये देखिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए ए सी की जगह हम सी बी और सी बी की जगह ए सी ले सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि दो हो गए 2ac स्क्वायर, यही तो गया है, सिद्ध हो गया सिद्ध, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आपको दिया हुआ है, ये हिंदी के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ करके समझ दीजिए, और यहां पर इंग्लिश में दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।